हेलो, गुड इवनिंग। अगर मेरी आवाज और वीडियो ओके है तो एक बार चैट बॉक्स में आप ओके लिख दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसमें हमने जो डिफरेंट सिक्योरिटीज बैंक कोई भी एडवांस को सिक्योर करने के लिए लेता है, इसमें इस लाइन को बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी लोन और एडवांस को सिक्योर करने के लिए लेता है, ठीक है। किसी और पर्पज के लिए बैंक में जो है अगर सिक्योरिटी ले रहा है तो वो चार्जिंग कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस के लिए तो चार्जेस होता है। और हमने बहुत सारी सिक्योरिटी कल पढ़ ली थी, कल तो हमने बहुत सारी सिक्योरिटी लिख के बताई थी। और जो कल हमने पढ़ी थी, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग पढ़ा, गुड्स पढ़ा, लैंड एंड बिल्डिंग और गुड्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो थ्योरेटिकली जो नेक्स्ट है सिक्योरिटी, दैट इज है ट्रस्ट रिसीट। और ये जो ट्रस्ट रिसीट है, आपको ध्यान होगा जब हमने करीब 20 सिक्योरिटी लिखी थी तो इसका नाम नहीं लिखा था। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में ट्रस्ट रिसीट होती क्या है। ट्रस्ट रिसीट समझने के लिए ये एग्जाम्पल स्क्रीन पे दे रहे हैं, इसे देखिएगा। अब क्या एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए किसी का हाउस है और हाउस को उसने बैंक में मॉर्गेज कर दिया, ठीक है। और ये जो हाउस है बहुत ही यूनिक किस्म का हाउस है, यूनिक है, एंटीक है, या कह लीजिए हेरिटेज है। आमतौर पर जो नॉर्मल हाउसेस होते हैं उनकी तो सेल मान लिया बैंक कर पा रहा है, लेकिन इस हाउस की सेल के लिए एक स्पेशल स्किल की जरूरत है जो बैंक के पास नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर ये सिक्योरिटी बैंक ओन करके सेल करना चाहता है तो कई बार जो बोरोवर होता है, बोरोवर कहता है कि सर आप इसको सेल जो है बहुत कम प्राइस पे कर रहे हैं, इसको सेल मैं करूंगा और मैं सेल करने के बाद जो प्रोसीड्स होंगी वो आपको दूंगा। सुनिएगा बात को ध्यान से कि बैंक ने इनको लोन दिया 50 लाख का, अगर इसको सेल करने का पॉइंट आया, बोरोवर ने कहा कि वो खुद करेगा, सेल्स इसको सेल करेगा, लेकिन जब वो सेल करेगा तो सारे पेपर्स देने पड़ेंगे बोरोवर को, तो बोरोवर इन द मीन टाइम बैंक को एक प्रॉमिस दे देता है, एक प्रॉमिस देता है कि ही और सी विल डिपॉजिट प्रोसीड्स टू बैंक, यानी सेल का जो भी पैसा आएगा वो बैंक को देगा। ये जो प्रॉमिस है, दिस प्रॉमिस इज कॉल्ड ट्रस्ट रिसीट, ट्रस्ट रिसीट। तो ये एकदम यूनिक काइंड ऑफ सिक्योरिटी है जो आपने सुनी नहीं होगी। अभी आपको ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताइए, मैं और भी एग्जांपल दूंगा अभी आप। नहीं सर, बताइएगा दोबारा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सपोज कीजिए गोल्ड ऑर्नामेंट है, गोल्ड ऑर्नामेंट को बैंक में अगर लोन लेते हैं तो कौन से चार्ज लगाते हैं? प्लेज, ठीक है, प्लेज लगाते हैं। और आपने 5 लाख का लोन दे दिया उसको, अब आप उसे पैसा मांग रहे हैं, भाई पैसा जमा करो, तो उसने जो गोल्ड आपको दिया था उसके गेंस में कोई उसकी इनकम नहीं हो रही है, या जो इनकम थे वो रिसोर्सेस खत्म हो गए, तो उसने कहा था आई वॉन्ट टू सेल माई गोल्ड। और गोल्ड की सेल करने से वो आपका रिपे करेगा। अब बैंक क्या करेगा, वो हैंड ओवर कर देगा उसको, इसको बोरोवर को हैंड ओवर कर देगा गोल्ड, और बोरोवर उसको सेल करेगा। सपोज कीजिए 10 लाख रुपीज आ गए, तो आउट ऑफ दिस 10 लाख वो 5 लाख तो बैंक में डिपॉजिट करेगा और रेस्ट कीप विद हिम, अपने पास रख लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अभी तक मैंने इस वाले केस में ट्रस्ट रिसीट का नाम तो लिया नहीं, तो ट्रस्ट रिसीट किस समय होगी, जब ये हैंडओवर होता है उस समय पे बोरोवर एक प्रॉमिस देगा, किसको देगा, बैंक को, कि मैं जो ये सिक्योरिटी ले रहा हूं इसके अगेंस्ट में मैंने आपसे लोन ले रखा है, और जैसे ही मैं इसका मनी इसको सेल करूंगा तो वो पैसा मैं आपको दूंगा। और ये जो ट्रस्ट रिसीट बैंक
आपने वहां एसेट रख के रूप में रखता है या लाइबिलिटी? एसेट 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 है बैंक का, क्योंकि एसेट एसेट वो गोल्ड ऑर्नामेंट तो उसने वापस दे दिया ना, और गोल्ड ऑर्नामेंट दे दिया तो ये रखा, और इसी एसेट को वो क्या मानता है फिर? सिक्योरिटी मानता है, ठीक है? उसी एसेट को क्या मानेगा? सिक्योरिटी मानेगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखिए, वेन एवर द बैंक रिलीजेस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, अब यहां पे क्या रिलीज कर दे रहा है वो? डॉक्यूमेंट द टाइटल ऑफ गुड्स टू द बोरोवर विदाउट पेमेंट, यहां भी विदाउट पेमेंट, देन द लेटर ऑफ ट्रस्ट शुड बी टेकन, जिसको हम प्रॉमिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको हम? ये जो प्रॉमिस है उसका टेक्निकल नाम है लेटर ऑफ ट्रस्ट। सो ऑल्सो इन द केस ऑफ गुड हाइपोथिकेटेड टू द बैंक, तो कई बार क्या करता है, देखो दो चीजें, या तो डॉक्यूमेंट का टाइटल, जैसे मैंने लैंड के केस में बताया था, तो लैंड के केस में बैंक उसको क्या हैंड ओवर करता है? रजिस्ट्री पेपर, ठीक है? और गुड्स के केस में क्या हैंड ओवर करता है? गुड्स। क्लियर हुआ है पॉइंट वाला? अगर लैंड है या कोई ऐसा आइटम है जिसमें पेपर की जरूरत है तो पेपर डिलीवर कर देता है, और अगर बैंक ने गुड्स रखी है तो गुड्स को ही डिलीवर करता है, जिससे वो क्या कर रहा है? गुड्स को सेल कर पाए, ठीक है? आगे इसमें कौन कौन से रीजन है? द बोरोवर ऑन द सेल ऑफ गुड्स हैज टू होल्ड प्रोसीड इन द ट्रस्ट ऑफ द बैंकर, वो एक ट्रस्ट में पैसा रखेगा, उसका मालिक नहीं है वो, उसका उसको उसको केयर टेकर टाइप का, ठीक है? द गुड टेकन अंडर द सच ट्रस्ट रिसीट आर और द सेल प्रोसीड देयर ऑफ आर नॉट अवेलेबल टू द ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ द बोरोवर बिकम सॉल्वेंट। अब सुनिएगा जरा, अगर बोरोवर कभी इंसॉल्वेंट हो जाए तो वो पैसा ऑफिशियल रिसीवर को नहीं जाता। देखो जब भी कोई इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया होता है, तो कोर्ट उसकी सारी प्रॉपर्टी किसी ऑफिशियल रिसीवर को हैंड ओवर करता है, वो ऑफिशियल रिसीवर उस प्रॉपर्टी को सेल करके जिनके कर्जे लेने हो देगा। लेकिन ये वाला गुड्स, क्योंकि ऑलरेडी कौन मालिक है इस गुड्स का? बैंक बैंक सर हेलो बैंक, क्योंकि वो बैंक का सामान है, उसने ट्रस्ट में रखा हुआ, वो मालिक नहीं है, तो ऑफिशियल यानी इंसॉल्वेंट वाले केस में वो ऑफिशियल रिसीवर का कोई राइट उसमें नहीं होता है। ट्रस्ट ऑफ लेटर में क्या क्या क्लॉज होते हैं? पहली बात तो क्या है, बोरोवर अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है कि भैया ये आपका राइट है जो गुड्स है सारी, ठीक है? और केस ऑफ सेल जो प्रोसीड्स होगी वो बैंक को देगा। दूसरा पॉइंट, वो अंडरटेकिंग देता है कि इन सामान को वो रख रहा है और सेल प्रोसीड जो भी होगी वो बैंक को देगा, और एज ए ट्रस्ट रखा हुआ है, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या है, इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज एंड इंश्योर एट हिज कॉस्ट। अब जब वो सामान को ले जाएगा तो उसका प्रॉपर इंश्योरेंस भी रखेगा, पता लगेगा वो कल को जाके कहते साहब वो तो कोई चोर ले गया, मैंने रात को तब तिजोरी में रखी थी वो, और उसकी स्टोरेज भी ध्यान से करेगा, ठीक है? बोरोवर अंडरटेक द डायरेक्ट द बायर टू टेक, अब जो बोरोवर है कहता है कि जो बायर होगा उसका पैसा वो खुद नहीं लेगा, बायर से कहेगा भैया ये पैसा कहाँ जमा कर दे? बैंक को कर देगा, ठीक है? बोरोवर अंडरटेक टू रिटर्न अनसोल्ड गुड्स, अब ऐसा भी हो सकता है कि उसने जो है थ्री आइटम गोल्ड्स के लिए, जिसमें टू आइटम सेल हो गए वन अनसोल्ड है, तो ये वाला आइटम अगर रिकवरी पूरी नहीं है, तो अगर रिकवरी उसकी बैंक की पूरी नहीं हुई, नॉट कंप्लीट, उस केस में ये वाला आइटम वो बैंक को रिटर्न कर दे, ठीक है? जी तो ये बहुत यूनिक सा था, हो सकता है कि इस क्लास में बैठे हुए दो तीन लोगों को बिल्कुल क्लियर कट पता हो, अदरवाइज और लोगों ने जरूर ये पहली बार सुना होगा ऐसा कुछ सिस्टम, ठीक? चलो नेक्स्ट आते हैं हम अगली टाइप की सिक्योरिटी पे, वो है लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सारी बातें हमारी पीछे कई बार रिपीट भी हो रही है, क्योंकि जब से क्लास चल रही है सिक्योरिटी चार्जिंग की, तो पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में क्या बोलता है, जब भी आप वो करेंगे तो पहली बात तो पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए, इन्फोर्स का मतलब लाइव होनी कंटिन्यू चाहिए, लाइव प्रीमियम लाइव जा रही, और प्रीमियम अप टू डेट भी पेमेंट हो, पता लगा 3 महीने से पेमेंट ही नहीं करी और आपने लोन दिया, अगले महीने पॉलिसी लैप्स हो गई, ठीक है? तो लेटेस्ट प्रीमियम रिसीट ले सकते हैं आप। दूसरा क्या है, पॉलिसी हमेशा ओरिजिनल लेंगे, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइन बाय द इश्यूइंग अथॉरिटी। अब ये ड्यूली स्टैम्प्ड कोई मेरे को बता दो इसका मतलब क्या होता है? साइन बाय द इश्यूइंग अथॉरिटी का मतलब अगर एलआईसी की पॉलिसी, तो एलआईसी ऑफ इंडिया का जो भी ब्रांच मैनेजर वगैरह वगैरह होंगे वो उसमें साइन करेंगे, लेकिन ड्यूली स्टैम्प्ड का मतलब बताइए अगर किसी को पता लगे। एलआईसी की स्टैम्प होती है सर, जो भी स्टैम्प है उसका स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा पड़ेगा रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर, सही क्या सर? देखो ऐसा है, सर जो भी एक रुपए की एग्रीमेंट है, स्टैम्प
हाँ, जो भी एग्रीमेंट प्रॉमिस होते हैं उनको कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कोर्ट फीस देनी पड़ती है। तो LIC का बॉन्ड हमेशा आप देखेंगे उसमें वो गवर्नमेंट के टिकट होते हैं, कुछ रिवेन्यू स्टैंप नहीं होता वो। उनको बोलते हैं हम गवर्नमेंट टिकट लोग, कौन सा स्टैम्प बोलते हैं, कोर्ट फीस स्टैम्प। कोर्ट फीस स्टैम्प, वेरी गुड। हाँ, तो कोर्ट फीस स्टैम्प को वो करते हैं। मैं जरा ये देखूं कि किनका वॉल्यूम जो है खुला हुआ है। हाँ चलो, मैं पॉइंट बता रहा हूँ। देखो ये पॉइंट मैंने क्यों डिस्कस किया, इसलिए डिस्कस किया कि सिक्योरिटी रिसीट्स इश्यू करने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब सरफेसी एक्ट आया तो उसमें इस तरह की रिसीट इश्यू करने के लिए नो स्टैम्प ड्यूटी कर दिया। क्योंकि अगर स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ जाए अगर सिक्योरिटी रिसीट इश्यू करने वाले को, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। वैसे ही खाता खराब चल रहा है, हालात खराब चल रहे हैं, उससे आप और पैसा ले रहे हैं। तो सिक्योरिटी रिसीट जो सरफेसी एक्ट के अंदर सिक्योरिटाइजेशन में इश्यू होती है, उसमें कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। ठीक है, क्लियर हो गया। द पॉलिसी शुड बी फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिव ओनरस क्लॉज। अब देखो ये जो क्लॉज है ना, रेस्ट्रिक्टिव, पॉलिसी में लिखा नहीं होना चाहिए, पॉलिसी में लिखा नहीं होना चाहिए इसके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते। मुझे उस पॉलिसी का नाम बता सकते हैं जिसके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते? ऐसी पॉलिसियां जिसके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते, आपने ऐसी पॉलिसी सुनी है जिसके अगेंस्ट में लोन नहीं लिया जा सकता? टर्म इंश्योरेंस सर, टर्म इंश्योरेंस सर, और टर्म इंश्योरेंस, वेरी गुड आंसर। एक और बता सकते हैं आप? टैक्स बेनिफिट, वन टाइम प्रीमियम पॉलिसी सर, कौन सी वाली? वन टाइम प्रीमियम पॉलिसी। नहीं, वन टाइम में भी ले सकते हैं। छोटे भी प्लान्स होते हैं सर उसमें, टैक्स बेनिफिट तो सारी पॉलिसी में है ना सर। नॉन लाइफ इंश्योरेंस इसको पॉलिसी थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, जो चाइल्ड पॉलिसीज होती है ना उसमें उसके अगेंस्ट मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। नहीं देखो सर, हेल्थ इंश्योरेंस में तो कुछ है ही नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस तो टर्म पॉलिसी टाइप का रहता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस तो टर्म पॉलिसी का रहता है, जनरल इंश्योरेंस टाइप में आता है ना, लेकिन सर चाइल्ड वाली में नहीं होती। इसको देखा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है चलो, और आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है उसमें कोई डाउट सर? नीचे लिखा है ये पॉइंट में लिखा हुआ। अच्छा चलो, अभी आ जाते हैं, फिर दिखाया था। चलो मैंने आप लोगों का माइक ओ कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, हाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। द इंश्योरेंस कंपनी शुड हैव एडमिटेड द एज ऑफ द एश्योर्ड, और वो एज उसकी एश्योर्ड, जो एश्योर्ड का मतलब जिसका जिसके लिए इंश्योरेंस किया गया उसकी एज है। अच्छा हाँ लिखा हुआ है, देखो। फॉलोइंग पॉलिसी आर नॉट एक्सेप्टेबल एज सिक्योरिटी, पहली एक चिल्ड्रन मैंने बता दी। ठीक है, और एक कुछ पॉलिसी बताई जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए ली गई है, मतलब उसको लेने का कोई अलग से एक पर्पज है कि भाई इसलिए। स्टेट ड्यूटी का मतलब क्या होता है? स्टेट ड्यूटी का मतलब होता है एक तरह से जो ये टैक्सेस होते हैं ना उनकी बात कर रहा है। और चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी, डेफर्ड पॉलिसी मतलब जो पेंशन टाइप की पॉलिसीज होती हैं वो इसमें कवर की गई है। और पॉलिसीज विद नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द, हाँ, मैरिड वुमेन एक्ट। ये चार पॉइंट है। अब जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो क्वेश्चन पेपर पता कैसे आएगा कि आउट ऑफ रीच विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉट एक्सेप्टिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर आपको चार पॉइंट में से एक भी पॉइंट मिसिंग होगा तो वहां गड़बड़ हो जाएगा उस दिन। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सब आता तो था, फिर भी मेरे 48 की वहां पता नहीं लगा। तो ऐसे ऐसे चार पांच क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो आपके 450 से फिर कम हो जाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बैंक लैंड अगेंस्ट द लाइफ पॉलिसी बेस्ड ऑन द सरेंडर वैल्यू। ये हमने आपको परसों प्रैक्टिकल करके बता दिया था कि सरेंडर वैल्यू क्या होती है। सरेंडर वैल्यू बेसिकली जितना पेमेंट आप कर चुके होते हैं उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, फंड एलोकेशन चार्जेस, रिस्क प्रीमियम हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है और उसमें कुछ इंटरेस्ट जो अर्न कर चुके होते हैं उसको एक तरह से सबको मिला लेते हैं, तब जाके जो एक्सपेंसेस से हटा दिए, जो एडिशन हुआ उसे जोड़ लिया, तो उसके बाद सरेंडर वैल्यू निकलती है। ठीक है, असाइनमेंट की बात आ गई। अब असाइनमेंट की बात आती है, तो द असाइनमेंट ऑन द पॉलिसी, असाइनमेंट ऑन द पॉलिसी, तो अभी क्वेश्चन यहां पर बन गया कि असाइनमेंट या तो पॉलिसी के बैक पे होगा, अगर पॉलिसी के बैक पे नहीं है तो एक अलग से स्टैम्प पेपर पे साइन करा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब बनता है कि असाइनमेंट कैसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है या सेपरेट स्टैम्प पेपर पे हो सकता है। ठीक है, और वो क्या होगा, अगर वो करेंगे तो किसी ना किसी से विटनेस होना है। नॉमिनी अंडर द पॉलिसी नीड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रमोशन के एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है कि नॉमिनी अंडर द पॉलिसी नीड नॉट ज्वाइन इन असाइनिंग द पॉलिसी एज नॉमिनेशन अंडर द पॉलिसी ऑटोमेटिकली कैंसिल
इन द इवेंट ऑफ असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी, यानी जैसे ही आप उस पॉलिसी को किसी को असाइन करेंगे, देखिए एक पॉलिसी है, पॉलिसी में हमेशा कोई ना कोई कौन होता है, नॉमिनी, क्योंकि पॉलिसी का मतलब क्या, डेथ के बाद किसको मिलेगा। अगर आपने इस पॉलिसी को असाइन कर दिया तो नॉमिनी हट जाता रास्ते से, और जिसके नाम असाइन किया हुआ है उसका राइट बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपको पूरा लोन पॉलिसी के अगेंस्ट में जमा करते हैं तो आप उसको कस्टमर को या इंश्योर्ड वाले पार्टी को बोलते हैं कि आप इस पॉलिसी को वापस जाइएगा जब हमारा लोन बंद कर दिया है और नॉमिनेशन करा लीजिएगा, दोबारा रिक्रिएट करना पड़ता है। अगर नहीं नॉमिनेशन कराएंगे तो नॉमिनेशन वाला वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो एडवांस अगेंस्ट शेयर शुड बी द प्रोडक्टिव पर्पज। प्रोडक्टिव पर्पज से मतलब क्या है, उस पैसे का एक प्रोडक्टिव पर्पज भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा नॉट फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पज। अब स्पेकुलेटिव पर्पज से मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, सुबह शेयर खरीद रहे हैं और शाम को बेच दे रहे हैं, दिन में दो बार खरीद रहे हैं, चार बार बेच दे रहे हैं, तो वो पैसा जो ले आ रहा है वो इसीलिए ना, ऐसा नहीं करे वो, पुराने शेयर उसके पास 8,000 या 8,00,000 के थे, उसने आपसे लिया लोन, 8,00,000 से ट्रेडिंग शुरू कर दी, सुबह खरीदा शाम बेच रहा, तो उसके लिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। बैंक प्रोवाइड आ रहा है डिमांड लोन और ओवरड्राफ्ट। इसमें देखो दो फैसिलिटी आ गई, फैसिलिटी डिमांड लोन भी दी जा सकती है उसको, और डिमांड लोन के साथ साथ उसको ओडी भी दिया जाता है। तो ओडी की अगर बात करते हैं तो ओडी जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, आपको पता है ओडी गोल्ड लोन पर भी मिल जाती है, एफडी पर, एनएससी पर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर, और आपका गोल्ड पर, इन पर ओडी मिल जाती है, करंट ओडी बोलते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड व्हाइल मेकिंग द एडवांस अगेंस्ट इज ए प्लेज। आप देखना है यहाँ पे क्या है, प्लेज, ये प्लेज है। और शेयर क्या है, शेयर में एक चीज होती है, असाइंड भी होती है और प्लेज भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, जो सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में होते थे शेयर्स, उनको प्लेज करते थे फिजिकल फॉर्म में, जो शेयर फिजिकल से डीमेट में कन्वर्ट हो गए हैं तो उनको अब प्लेज नहीं करते, उनको असाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ द बैंक असिस्ट द शेयर वी ऑन द डीमेट फॉर्म वाइल एडवांसिंग। आजकल क्या मांग रहा बैंक, कह रहा भैया डीमेट फॉर्म वाले ले आओ। एडवांस आर ग्रांटेड अगेंस्ट फुली पेड शेयर ओनली। मैंने बता दिया था कि जो लोन्स होते हैं शेयर के अगेंस्ट में वो फुली पेड शेयर्स पर ही होते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें हाफ पार्टली पेड पे कर देंगे तो बचा हुआ पैसा जब भी वो डिमांड करेगा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और वो शेयर किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज होने चाहिए, लिस्टेड होने चाहिए, उसके प्राइसिंग करे, ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अगेंस्ट के शेयर के अगेंस्ट में कोई भी लोन नहीं दिया जाता, ठीक है। अब यहाँ ये पॉइंट आ गया, ये क्वेश्चन एक ऐसा पॉइंट है जो आमतौर पर प्रमोशन के एग्जाम में या आपकी स्किल्स को चेक करने के लिए पूछा जाता है कि लोन दे कितना सकते हैं, स्टेट्यूटरी लिमिट है। तो शेयर होल्डिंग इन कंपनी में स्टेट्यूटरी लिमिट है, वो क्या है देखना जरा, आपकी नेटवर्थ वैल्यू के अकॉर्डिंग है वो। तो बोलता है इसमें इन टर्म्स ऑफ 192 बैंकिंग बीआर एक्ट में, और बीआर एक्ट में ही आपको अपनी कंपनी के शेयर के अगेंस्ट में लोन देना मना किया हुआ। नो बैंकिंग कंपनी सेल होल्ड शेयर इन एनी कंपनी, वेदर चाहे वो प्लेज करे, मॉर्गेज करे या खुद खरीद ले, वो 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा उस कंपनी के या अपनी कंपनी के। अब इसको समझिएगा, इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। मान लिया आपकी बैंक की पेड अप कैपिटल 5,000 करोड़ है और एक कंपनी है जिसकी खुद की पेड अप कैपिटल 10,000 करोड़ है, ठीक है। तो उसने बोला 30%, तो 30% इसका कितना हो जाएगा 3,000, और इसका 30% कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा इसका 1,500। तो आप जो शेयर के अगेंस्ट लोन देंगे इस कंपनी वाले केस में मैक्सिमम कितना दे पाएंगे आप, 1,500, ठीक है। तो किसी भी सिंगल कंपनी के शेयर के अगेंस्ट में आप लोन देंगे तो उस कंपनी की नेटवर्थ और अपनी नेटवर्थ दोनों का 30%, उसमें से जो कम होगा उतना ही आप दे सकते हैं, विच एवर इज लेस। सेल फॉर्म्स शुड आल्सो बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ डीमेटलाइजिंग डिटरमाइनिंग द एक्सपोजर लिमिट। तो उसने ये तो सिंपल बात बोली है कि जब भी आप लोन देंगे तो एक्सपोजर लिमिट का मतलब ये होता है कि आप कितना मैक्सिमम दे सकते हैं। तो जब आप दे रहे हैं तो चाहे वो डीमेट फॉर्म हो चाहे कैसा ही हो, दोनों के लिए एक। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया 30% वाला, ये प्रमोशन का क्वेश्चन है। यस सर, किसी ने पहले पढ़ा होगा जरूर। यस सर, यस सर। चलो
अब आ गया रेगुलेटरी लिमिट फॉर बैंक्स एक्सपोजर ऑन कैपिटल मार्केट। अब यहां तो एक कंपनी की बात करी, यहां पूरी बात ओवरऑल आ रही कि एक बैंकिंग कंपनी कैपिटल मार्केट में कितना एक्सपोजर रखती है। अब कैपिटल मार्केट में एक्सपोजर समझे, या तो वो शेयर क्या कर लेगी किसी कंपनी के, बोलिए, खरीद लेगी, या वो क्या देगी उस कंपनी के शेयर में, क्या देगी, लोन, उसके अगेंस्ट में शेयर दे देगी। तो ये भी, ये दोनों टाइप जो है एक्सपोजर में आते हैं, चाहे वो उसके अगेंस्ट में लोन दे, चाहे वो खुद शेयर खरीद ले, ठीक है। तो आरबीआई गाइडलाइन ऑन बैंकिंग फाइनेंस अगेंस्ट शेयर, शेयर और डिबेंचर, डिबेंचर यहां क्यों आया, क्योंकि ये दोनों ही जो टाइप ऑफ वो है फंड है, ये दोनों ही कैपिटल फंड में आते हैं, इक्विटी और डिबेंचर डेट फंड, ठीक है। आर गिवन, क्या क्या चीज है, बैंक्स कैपिटल मार्केट एक्सपोजर वुड इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एक्सपोजर और इनडायरेक्ट एक्सपोजर। अब डायरेक्ट एक्सपोजर कौन सा वाला हो गया, ये, इनडायरेक्ट वाला कौन सा हो गया, ये। क्लियर हो गया पॉइंट। द एग्रीगेट एक्सपोजर बोथ फंड और नॉन फंड बेस ऑफ द बैंक कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो डायरेक्ट कौन सा हो गया, जो परचेज करता है खुद शेयर, बैंक कंपनियों के शेयर भी तो खरीदता है, मतलब बैंक अपनी कोई कहीं पे किसी किसी कंपनी में अपना स्टेक लेता है, उसकी प्लानिंग ये होती, हो सकता है कि 10 साल बाद उसको ओन भी कर ले उस कंपनी को, तो जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड कंपनियां होती हैं उसके कुछ शेयर भी खरीद लेता है। सर, बैंक दूसरी कंपनी का शेयर खरीदता है, क्यों नहीं खरीदता, ऐसी कंपनी जो बैंकिंग एंसिलरी सर्विसेज में हो, जैसे मैं बताता हूँ एआरसी कंपनियां, मतलब वो ऐसी कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी, भाई बैंक इसमें मालिकाना हक रखता है ना कुछ, उसकी बात हो रही है, ठीक है। बट इन जनरल सर नहीं खरीदता है ना, अगर वो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है तो नहीं खरीदता, नहीं खरीदता, यस सर, थैंक यू सर, ना ना ना, उसमें एक कंडीशन है, ठीक है। तो उसमें बोला हुआ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर हो, या कन्वर्टेबल बॉन्ड लो, या कन्वर्टेबल डिबेंचर लो, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ले, ऑन विच इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली इन्वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट डेट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा एडवांस अगेंस्ट शेयर, तो यही दोनों पॉइंट मैंने जो एक्सप्लेन आपको नॉर्मल लैंग्वेज में किए हैं, यहाँ वो पूरा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, एडवांस अगेंस्ट शेयर यही तो लिखा मैंने यहाँ सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब वो शेयर बॉन्ड डिबेंचर कुछ भी हो, यहाँ तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है पहला पॉइंट, दूसरे में बोल रहा है एडवांसेस देना उसे, ठीक है, और अदर सिक्योरिटीज और ऑन क्लीन बेसिस टू इंडिविजुअल फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर। अब देखो यहाँ पर एक इस वाले पॉइंट को भी सुनिएगा, एक तो ये हुआ कि कोई बंदा आपके पास शेयर लेके आया किसी कंपनी के, आपने उसके अगेंस्ट लोन दे दिया। एक और तीसरा क्राइटेरिया इसमें, यहां इसी के साथ हम ऑब्लिक करके बोल देंगे कि फॉर द परचेज ऑफ न्यू शेयर, होता ना कोई कंपनी आती है कहते हैं कि भैया हमारे आईपीओ आ रहा है और हमारे स्टाफ वालों को आईपीओ मिल रहा है, 100-100 शेयर मिल रहे हैं, तो हमें उसके लिए 15,000 का, 20,000 का, 40,000 का लोन दे दो। तो अभी तो शेयर लिया ही नहीं है, तो ESOPs की फुल फॉर्म कोई बताएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक का मतलब यहाँ शेयर से है, ऑप्शन प्लान का मतलब है कि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में, या जब आप ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं भैया हम आपको 5 करोड़ का तो पैकेज देंगे और जो है 500 शेयर भी दे देंगे साथ साथ में, तो वो इंप्लॉय के लिए जो स्पेसिफिक होते हैं उनके लिए बोला, ठीक। तो ये बात पॉइंट तो क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, एडवांस फॉर एनी अदर पर्पज वेयर शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर आर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आर टेकन एज प्राइमरी सिक्योरिटी। तो आप देखियो कि यहां लोन तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उस शेयर्स को एज ए सिक्योरिटी रखा, तो आप ये मान लीजिए उसे शेयर के अगेंस्ट, क्योंकि जब वो पैसा नहीं देगा तो आप उस शेयर से ही तो वसूलोगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा नहीं हो रहा थर्ड वाला? यस सर, मतलब अगर वो कोई शेयर कहता भाई मैं इसके शेयर के अगेंस्ट लोन नहीं ले रहा हूं, आप तो मुझे हाउसिंग लोन ले लो, लेकिन ये शेयर मेरे गिरवी रख लो, ठीक है, ऐसे केसेस में। अगला, एडवांस फॉर एनी अदर पर्पस होता है एक्सटेंड सिक्योर्ड बाय कॉलर, तो चाहे वो प्राइमरी सिक्योरिटी है, दोनों को मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में या कॉलेटरल सिक्योरिटी के रूप में अगर शेयर ले रहे हैं तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट शेयर फाइनेंसिंग में आता है या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन आता है कैपिटल मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है,
सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड एडवांसेस टू स्टॉक ब्रोकर। अब देखिएगा, अभी तक तो आप लेने वाले ब्रोकर को भी अगर आप लोन दे रहे हैं या कोई गारंटी इश्यू कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में ब्रोकर के हिसाब से, तो इसका मतलब वो ब्रोकर भी वही किससे रिलेटेड होते हैं, कैपिटल मार्केट में, तो वो एक्सपोजर भी कैपिटल मार्केट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लोन सैंक्शन टू कॉर्पोरेट्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ शेयर बॉन्ड्स और इट। तो यहां पे क्या बोला, टू कॉर्पोरेट, किसी कॉर्पोरेट को देना, वो कंपनी खुद ही आ रही है लेने अपने शेयर। अभी तो क्या हुआ, किसी ने खरीद रखे वो लेने आ रहा है, लेकिन कंपनी खुद कह रही है कि भाई मेरे इतने शेयर रख लो, तो वो भी एक्सपोजर में आएगा। ठीक है, ऑन क्लीन बेसिस फॉर मीटिंग प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रमोटर है उसमें 30% के दो प्रमोटर है, बाकी पब्लिक है, तो ये जो 30% लाया है इसके लिए लोन से ना लिया हो उसने, तो वो भी आपका उसमें जुड़ेगा जो एक्सपोजर लिमिट की बात आई। ये सारे पॉइंट पता है क्या चल रहे हैं, कि कौन से एक्टिविटी में ये माना जाता है कि शेयर के अगेंस्ट लोन है। ठीक, ब्रिज लोन टू कंपनीज अगेंस्ट एक्सपेक्टेड इक्विटी फ्लो और इश्यूज। तो अब यहां पे उसे नया कोई इक्विटी का फ्लो या इक्विटी का इश्यू लाना है, उसके लिए पहले से लोन दे दिया उसने कि भैया जब तुम्हारा पैसा आएगा तब हमको दे देना, तो फिर वो अगेन शेयर के अगेंस्ट में। अंडरराइटिंग कमिटमेंट, अंडरराइटिंग कमिटमेंट का मतलब कि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और वो 3,000 करोड़ का आ रहा है, तो उसने क्या करा, उसको अंडरराइट कर लिया, अंडरराइटर ने पूरे शेयर ले लिए, और लेने के लिए उसने बैंक से फाइनेंस कराया कि भैया इसमें से जितने बिक जाएंगे, सपोज कीजिए 2,800 करोड़ के बिक गए, तो 200 करोड़ जो होगा वो कहां से आएगा उसके पास, बैंक से, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी इश्यू ऑफ द शेयर और कन्वर्टेबल बोन्स, कुछ भी हो। ठीक है, हाउएवर बी डिफेक्ट फ्रॉम इतने से क्या हुआ, बैंक में एक्सक्लूड देयर ओन अंडरराइटिंग कमिटमेंट, अपने जो बैंक ने खुद अंडरराइटिंग कर रखी है उसको छोड़ दो कह रहा है, वहां उसको स्केप कर दिया, लेकिन जो कोई और अंडरराइटर आ रहा है आपके पास तो उसको आप कंसिडर करें। एज ऑल्सो अंडरराइटिंग कमिटमेंट ऑफ देयर सब्सिडरी, तो कई बार कहता है बैंक अपनी सब्सिडरी की जब शेयर लॉन्च करता है तो अंडरराइटिंग करता है उसकी, अपनी सब्सिडरी से कहता है कि हम ये लॉन्च कर रहे हैं शेयर 10,000 करोड़ के, पब्लिक जितना लेगी लेगी, बाकी हम फंडिंग करेंगे, तो वो अपनी सब्सिडी वाला केस हो गया और वो केस हो गया, दोनों केस उसमें एक्सपोजर है, थोड़ा बुक रनिंग प्रोसेस हो गया। ठीक, चलो फाइनेंसिंग टू स्टॉक ब्रोकर ऑफ और मार्जिन ट्रेडिंग। अब स्टॉक मार्जिन ट्रेडिंग समझते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब मान लिया वो 2000 के शेयर ले रहा है, पे अगर जमा करेगा तो उसे शेयर अलॉट हो जाते हैं, तो ये मार्जिन मनी के लिए अरेंज करना। आपको पता होगा जो डीडीए के फ्लैट वो होते हैं, जब डीडीए के फ्लैट अलॉटमेंट होते हैं या बड़े बड़े डेवलपमेंट अथॉरिटी के फ्लैट जब अलॉटमेंट होते हैं, तो जो पहला वाला आप फाइनेंस करते हैं उसको कौन सा फाइनेंस बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? डीडीए के फ्लैट इशू होते हैं ट्राइपार्ट एग्रीमेंट के तहत होता है। हाँ, वो तो एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन उसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम। अरे जैसे कहता ना कि डीडीए कहता है 1,00,000 का ड्राफ्ट लाओ और अपने लॉटरी में लग जाओ, लॉटरी लग जाएगी तो आपका 25,00,000 का फ्लैट हम आपके नाम कर देंगे, तब बाकी लोन हो जाएगा। तो बैंक जो है इसको भी फाइनेंस करते हैं अर्नेस्ट मनी, एक तरह से बुकिंग अमाउंट बोल दो आप। ठीक है, क्लियर? आप लोग अपने माइक म्यूट रखिए शेषागिरी जी। अच्छा, अब एक कॉमन मैन आपसे लोन लेने आ गया शेयर के बारे में, तो कॉमन मैन में उन्होंने लिमिट लगी हुई है कि अगर आप फिजिकल फॉर्म में लेंगे या इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड दोनों मिला करके है, शेयर को वहां पे म्यूचुअल फंड भी कैपिटल मार्केट का है ना, तो शेयर कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्टेबल कुछ भी हो अगर वो फिजिकल फॉर्म में है तो लिमिट कितनी है, 10,00,000 है, और अगर डीमैट फॉर्म में है तो उसमें 20,00,000 तक का मैक्सिमम किसी एक इंडिविजुअल को लोन मिल सकता है, और अभी जब कॉर्पोरेट की बात आई थी तो उसमें उसकी नेटवर्थ के हिसाब से। क्लियर होगी बात? सच लोन्स आर मेंट जेन्युइन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और बिल्कुल उसकी जेन्युइन होनी चाहिए। बैंक्स वुड नॉट सपोर्ट कोलिसिव एक्शन बाय ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम कॉर्पोरेट। कई बार क्या होता है कि एक एबीसी कंपनी है उसमें 10 पार्टनर है, अब 10 पार्टनर ने इंडिविजुअल आके क्या ले लिया, इसी कंपनी के शेयर के अगेंस्ट क्या लेने लग गए वो लोन, तो वो जो कलेक्टिव मेजर में देख रहा तो उसे देखना है, वो इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर वो देख लेगा बैंक भी यही वाले लोग सब क्यों आ रहे हैं, तो हो सकता है वो कंपनी में कुछ बड़ी गड़बड़ करने वाले हो, मतलब मेजर स्टेक लेने वाले, तो इसके लिए फाइनेंसिंग नहीं होगी। ठीक है,
ये ना इंटरकनेक्टेड टू टेक मल्टीपल लोन एंड ऑर्डर टू सपोर्ट पर्टिकुलर स्क्राइब और स्टॉक ब्रोकरिंग एक्टिविटीज कर सकते हो. वो जो अभी वो फिल्म आई है कौन सी वाली, वो अभिषेक बच्चन की देखी किसी ने? वो अभिषेक बच्चन की फिल्म देखी, बिग बुल देखी किसी ने? हाँ सर, एक बिग देखी तो नहीं सर, लेकिन नाम है उसका बिग बुल. ना ठीक है, तो मैंने देखी थी. तो उसमें ये जो सब चीजें है ना कि कई शेयर लेना और सब बैंक को इन्वॉल्व करना, रिसीट इशू करना, वो सब दिखाया था उसमें. ठीक, सच फाइनेंस शुड बी रिकॉर्ड एज एन एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट. और जो इंडिविजुअल लोन लेंगे तो वो भी कैपिटल मार्केट में क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा. बैंक शुड फॉर्मुलेट विद द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ए लोन पॉलिसी. और इस पॉलिसी को बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिफाइन करेंगे कि भाई आप शेयर के अगेंस्ट अगर लोन देते हैं तो कौन सी पॉलिसी को आपको वो करना है. ठीक है, लेकिन वो पॉलिसी आरबीआई के गाइडलाइन के व्यू में होगी. और जो आपका वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो सब लिमिट भी फिक्स कर सकता है कि भाई कि किसी भी कंपनी का 10 लाख से ज्यादा का शेयर लोन नहीं करना, वो बैंक के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की. ठीक है, अच्छा अब आ गया आईपीओ के केस में. तो आईपीओ के केस में फाइनेंसिंग का आ गया ऑप्शन. पीछे तो हमने बात करी थी कोई आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना चाहता है उसके लिए भी, तो आईपीओ के लिए भी आप लोन दे सकते हैं. और उसमें क्या है, देखो आईपीओ शेयर डिबेंचर सबके लिए क्या है, शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर सब्सक्राइबिंग आईपीओ. तो ये 10 लाख है मैक्सिमम. उधर देखो तीन फिगर आई, एक आई 10 लाख, एक आई 20 लाख, एक आई 10 लाख और एक आई कितनी बोलो, नेटवर्थ. हाँ ये 30% लिख दिया मैंने. ठीक है, द कॉर्पोरेट शुड नॉट एक्सटेंड द क्रेडिट बाई द बैंक फॉर इन्वेस्टिंग अदर कंपनीज आईपीओ. तो कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी का आईपीओ लेना चाहता है तो नहीं फाइनेंस करेंगे आप, लेकिन इंडिविजुअल को अलाउड है. ठीक है, बैंक शुड नॉट प्रोवाइड फाइनेंस टू द एनबीएफसी फॉर फर्दर लैंडिंग टू द इंडिविजुअल फॉर आईपीओ. तो एनबीएफसी को बैंक फंडिंग करता है, ये मालूम है आपको? बोलो. यस सर. अच्छा एक कंपनी का नाम बताइए, एक एनबीएफसी का नाम बताइए जिसने बैंकों से लोन ले रहा था, उसकी हालत आजकल खराब चल रही है, हाउसिंग कंपनी है, बताओ जरा. डीएचएफएल सर. बिल्कुल, वेरी गुड. डीएचएफएल ने स्टेट बैंक से और कई बैंकों से बहुत मोटा लोन ले रखा है, आजकल उसकी हालत खराब चल रही है, लेकिन वो हाउसिंग पर्पज के लिए था. तो यहाँ बोला गया है कि कोई भी एनबीएफसी को आईपीओ फाइनेंस करने के लिए फर्दर फंडिंग के लिए वो नहीं करेगा. ठीक है, यहां पर आ गया है कि बैंक जो है कोई भी किसी भी अदर इंप्लॉय को जो अपनी ही कंपनी का आईपीओ लेना चाहता है, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, ईसोप नाम से, तो उसके लिए भी बैंक के पास स्कीम में, बैंक में एक्सटेंड फाइनेंस टू एम्प्लॉय परचेजिंग द कंपनी अंडर स्टॉक ऑप्शन प्लान रिजर्व बाय वे ब्लॉक. इसमें क्या है कोटा 20 लाख का, 20 लाख तक दे सकता है. और लेकिन आईपीओ का कितना है, 90%. अगर वो 10,000 के ले रहा है तो 9,000 तक का लोन कर देगा. ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर बंदे को किसी को 20 लाख से ज्यादा नहीं करेगा. फाइनेंस एक्सटेंडेड बाई बैंक टू ईसोप एम्प्लॉय कोटा अंडर द आईपीओ वुड बी ट्रीटेड एन एक्सपोजर कैपिटल मार्केट विद एन ओवरऑल सीलिंग ऑफ 40%. अब देखो यहाँ एक पॉइंट आ गया, देखो 40% वाला, इसको हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, कितने परसेंट पढ़ा था, 30%. यहाँ ये लिख रहा है 40%, तो इसको हम देन एंड देयर ही चेक कर लेते हैं तो ठीक रहेगा. ये देखो एकदम ऑथेंटिक है, आरबीआई का स्टेटमेंट है 20 का, न्यू दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे रेज्ड द ग्रुप एक्सपोजर लिमिट टू द बैंक्स टू 30% फ्रॉम 25% फॉर ए टेम्परेरी पीरियड टिल. अब यहां पर देखो एक नया चीज निकल के आ गया कि ग्रुप में एक्सपोजर 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया. अनाउंसमेंट ऑन मेड बाय गवर्नमेंट. अच्छा ये कौन से एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, कोई मेरे को बताएगा? ये हमने पढ़ा रखा, बताओ तेरा बताए याद दिलाए. ये कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर ना होके सिंपल एक्सपोजर है, और ये जो है 25% से टेम्परेरीली 30% किया हुआ है 30th of June 2021. जरा सीआईबी वाले रीसेंट बैंकिंग डेवलपमेंट में इस पॉइंट का रेलिवेंसी बताएंगे, क्या है, क्यों इसको बढ़ाया गया है? सीआईबी वाले कोई है ही नहीं क्या सीआईबी वाले? अरे कोरोना के टाइम में अगर किसी ग्रुप हाउस को कॉर्पोरेट को पैसा चाहिए जो सीधे इकोनॉमी बेस्ड है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जीडीपी है,
तो पहले वो केवल 25% ही बैंक किसी को ग्रुप किसी कॉर्पोरेट को अपनी नेटवर्क का 25% ही दे पाता था। अब बैंक अपनी नेटवर्क का 30% तक उसको लोन दे सकता है। और ये जो अभी हम बात पढ़ रहे हैं इसका उससे कोई मतलब नहीं है, किससे? कैपिटल मार्केट एक्सपोजर से कोई मतलब नहीं इसका, ये पॉइंट अलग है। ये जुलाई 2015 वाला इस सर्कुलर को हम लोग लेके चल रहे हैं, 15 के बाद मुझे कहीं दिखाई नहीं रहा, तो 40% है, ठीक है। कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर कितने परसेंट है? 40% ओवरऑल है, क्लियर। और कहीं जो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहीं मिले तो उसको दे दिया, तो 40% अभी हम इसको ही लेके चल रहे हैं, ठीक। These instructions will not be applicable for extending financial assistance by bank to their own employee. तो जो अपने employee को ESOP का scheme करेगा तो वो 40% से ज्यादा भी कर सकता है, ठीक है। Bank are not allowed to extend advance including the advances to their employee trust by. अच्छा एक चीज बताइए कि ये कहा जाता है कि बैंक अपने ही शेयर्स के अगेंस्ट में फाइनेंस नहीं कर सकता, ये सुनी न्यूज आपने? Yes, sir. मुझे ये बताएं इसका रीजन क्या है? खुद का शेयर खरीदने के लिए खुद ही थोड़ी ना फाइनेंस करेगा। नहीं वो तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, खुद ही नहीं करेगा। इसका रीजन ये है उसका कैपिटल डाइल्यूट हो जाता है भाई। जो शेयर मार्केट अगर बाहर से लेके आएगा पैसा तो वो जो पैसा मिलेगा उसको तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। अब पता लगा वो अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए अपना ही पैसा दे रहा है, समझ में बात कुछ। उसका आंसर यह है कि कैपिटल जो है उसकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सर ये जो ईसॉप वाला बता रहे हैं 90%, हां बोलो ईसॉप वाला बोलो। सर ये जो ईसॉप वाला बता रहे हैं कि 90% फाइनेंस कर सकते हैं बैंक्स अपने एम्प्लॉइज को, तो अगर 90% होकर फाइनेंस उन्होंने कर दिया और बाद में शेयर का मतलब रेट कम हो गया, फिर वो कैसे उसको ये करेंगे क्योंकि पहले ही वो मार्जिन कम लेके चल रहे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पकड़ा है। देखिए ये केवल ईसॉप वाले में, ईसॉप वाले में वो अपने ही एम्प्लॉई को वो कर रहा फंडिंग, जो कंपनी है ना, तो कंपनी जब अपने ही एम्प्लॉय को फंडिंग करती है तो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, तो उसमें इन्होंने मार्जिन क्या किया हुआ है। और ये जो आप वो कह रहे हैं ना एक पॉइंट कि जो 90% वाला, इसको आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? मार्जिन से कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूं देखो यहां पर ये पॉइंट देखिए, रिजर्व बाय वे ऑफ एम्प्लॉय कोटा अंडर द आईपीओ टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द शेयर और 20 लाख विच एवरेज लेस। तो 20 लाख तो एक थ्रेशोल्ड अमाउंट है, टोटल अमाउंट। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, इसमें वही बात आ रही है कि 50 की जगह 90% तक हो दे रहा है, मतलब 100 रुपए का शेयर है उसको। हाँ कहने का मतलब सर कि अगर 90 रुपए फाइनेंस कर दे, 90 रुपए फाइनेंस कर दिया और कल को वो शेयर मतलब 75 रुपए पे गिर गया, 75 रुपए हो गया उस शेयर की वैल्यू, फिर तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ रहेगी कंपनी की? बिल्कुल बिल्कुल, अल्टीमेटली तो बैंक लॉस में जाएगा अगर वो पैसा वहां से उसने नहीं जमा किया खुद। तो ईसॉप वाले में कोई ऐसा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट या कुछ लेता होगा बैंक ना, जब ईसॉप स्कीम आती होगी तो कंपनी भी कहती होगी भाई अभी हम आपको 2000 शेयर सबको दे रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रखा होगा लॉजिकली ना बैकग्राउंड में, क्योंकि पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि 50, क्योंकि इसमें तो बैंक के पास प्राइमरी सिक्योरिटी सिर्फ शेयर है और तो कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ शेयर ही है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल शेयर है। तो अब ईसॉप वाले के लिए उन्होंने स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरिया रखा हो, या तो ये माना होगा कि ईसॉप वाली जो स्कीम्स होती हैं वो अच्छी कंडीशन में दी जाती है, और अगर कोई कंपनी अपने ही एम्प्लॉय को ईसॉप स्कीम दे रही है तो ये माना जाता होगा कि वो एम्प्लॉय बहुत मेहनत से काम करेंगे, कहेंगे ये तो हमारी कंपनी है, कुछ ऐसा लॉजिक जरूर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए शेयर की वैल्यू कम हुई तो वो कंपनी बेच के अपना फंड निकाल लेगी और लोन क्लोज? अगर नहीं, एक डाउट दूर करिए, वो शेयर कंपनी के पास रहे कहां गया, कैसे बेच लेगी शेयर? कुछ तो होता है, कंपनी जब शेयर अलॉट करती है तो अपने शेयर डाइल्यूट करती है, अपने शेयर हटा देती है, उसका मालिक कंपनी नहीं रहती है, वो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय के पास है शेयर, वो अगर एम्प्लॉय बेचेगा भी तो कंपनी को कुछ नहीं मिलने वाला, कंपनी को तो शुरू में ही मिल गया पैसा जो बैंक ने फंडिंग करके दिया, जितने का शेयर लिया ना उन लोगों ने।
इसमें तो क्लियर कट उसको लॉस ही होगा क्योंकि शेयर मार्केट कब क्या हो जाए उसका कुछ। हाँ बिल्कुल, अरे तो शेयर मार्केट और गोल्ड के लोन फ्लक्चुएशन बेस तो होते ही है भाई, बिल्कुल रिस्क तो है ही, क्यों नहीं है रिस्क। ठीक 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 है सर, चलो आपका पॉइंट ठीक है, उसमें कोई हम वो नहीं कर रहे, लेकिन जो स्कीम बनी है उस स्कीम के पीछे कुछ उसकी मेरिट्स होंगी इसलिए ऐसा किया गया हुआ। ठीक चलो अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। बैंक्स वुड ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द बोरोअर इंडिकेटिंग द डिटेल्स ऑफ द लोन्स एडवांसेस अवेल अगेंस्ट शेयर अदर सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड अबव फ्रॉम एनी अदर बैंक इन ऑर्डर टू इश्यू एंश्योर कंप्लायंस विद द सीलिंग प्रेसक्राइब। तो यहाँ सीलिंग की बात आ रही है कि एक आदमी जो है इधर से भी लोन ले रहा है, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है, तो एक पर्टिकुलर जो एक्सपोजर को चेक करने के लिए उसे डिक्लेरेशन लेते हैं कि भैया आपने शेयरों के अगेंस्ट में और कहां कहां से लोन कितने कितने ले रखे हैं। ठीक है, अच्छा पीछे हमने बात कही थी कि लोन इनको भी मिल जाता है, स्टॉक ब्रोकर को और मार्केट मेकर्स को भी लोन मिल जाता है, तो इनके लिए बोला हुआ है कि बेस्ड बेसिस ऑफ देयर कमर्शियल जजमेंट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क अप्रूव्ड बाय द वो है बोर्ड, हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड द बाय एनी नेक्सस Emerging between interconnected stock broking entities. अब interconnected stock broking क्या? तो मान लें दो ब्रोकिंग कंपनी है वो आपस में जुड़ी हुई है या बैंक जुड़े हुए हैं, तो वो जो जब भी आप इन तरह के लोन देंगे तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है कि कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं चल रहा है। ठीक है, और ओवरऑल लिमिट फिर अगेन वही 40% आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द स्टॉक ब्रोकर्स एंड द मार्केट मेकर बोथ फंड एंड आई किन किन को दे सकती है सब सीलिंग ऑफ टोटल, टोटल के साथ साथ जो सब सीलिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाई कि भैया आप पूरा 5,000 करोड़ का लोन दे सकते हैं शेयर के अगेंस्ट, लेकिन स्टॉक ब्रोकर को 2,000 करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे, तो दोनों चीज चेक करनी है आप। टू एनी सिंगल स्टॉक ब्रोकिंग एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स एसोसिएट इंटरकनेक्टेड को, तो जो भी उसकी सिस्टर कंसर्न है उनसे लोग जुड़े उनको सबको जोड़ जाड़ के देखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है बैंक फाइनेंसिंग इंडिविजुअल अगेंस्ट शेयर तो ज्वाइंट होल्डर और थर्ड पार्टी बने, तो कई बार क्या होता है शेयर जो है जॉइंट होल्डर के शेयर से या थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी के साथ है, तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो उस कंडीशन बोलता है बैंक शुड बी सर्कमस्पेक्ट एंड एंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेशन इज नॉट डिफीटेड, मतलब उसमें कोई गड़बड़ ना हो रहा हो कुछ ऐसा। तो जॉइंट होल्डर के जैसे आप एफडीबी जॉइंट होल्डर के अगेंस्ट देते हैं तो दोनों के साइन वगैरह लेते हैं ना प्रॉपर, तो वो चीजें देखनी है आपको। ठीक है, और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में म्यूचुअल फंड की जो लोन स्कीम है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी लोन मिलता है तो द यूनिट शुड बी लिस्टेड, तो वो यूनिट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए, शेयर के लिए भी यही है। ठीक है, और रीपर्चेस फैसिलिटी फॉर द यूनिट शुड बी अवेलेबल टाइम ऑफ लेंडिंग, अब ये बताना रीपर्चेस फैसिलिटी अवेलेबल इसको कोई बता सकता है म्यूचुअल फंड की क्लास से अगर कोई रिलेट करे तो ये कौन सी स्कीम की बात कर रहा है, हमने कई तरह की स्कीम बताई थी ना म्यूचुअल फंड में, ओपन एंडेड की स्कीम है सर। बिल्कुल गुड, वेरी गुड आंसर, ये रीपर्चेस फैसिलिटी ओपन होने का मतलब है ओपन एंडेड, मतलब क्लोज एंडेड के अगेंस्ट में आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो क्लोज एंडेड वो देने से पैसा मना कर सकता है। ठीक है, वो एक तरह से ये भी मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ मिनिमम लॉक इन पीरियड जो है वो पार हो जाना चाहिए, द अमाउंट ऑफ एडवांस शुड बी लिंक विद द, और जो भी आप पैसा देंगे एनएवी या जो रीपर्चेस प्राइस है उसमें मार्केट वैल्यू में मार्जिन रख कर देंगे, एडवांस अगेंस्ट यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट यूनिट दोज एक्सक्लूसिवली डेट ओरिएंटेड, तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में फंडिंग नहीं करनी है, या हम ऐसा कर सकते हैं अधिकतर डेट ओरिएंटेड जो स्कीम होती हैं वो क्लोज एंडेड स्कीम होती हैं, वुड अट्रैक्ट द क्वांटम एंड द मार्जिन रिक्वायरमेंट एज पर द एप्लीकेबल एडवांस अगेंस्ट शेयर, तो इसमें जो मार्जिन और सारी कंडीशन है वो शेयर और डिबेंचर के जैसी है। ठीक है, द एडवांसेस शुड बी पर्पज ओरिएंटेड टेकिंग इनटू अकाउंट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर, एडवांसेस शुड नॉट बी ग्रांटेड फॉर सब्सक्राइबिंग टू और बूस्टिंग ऑफ द सेल उसके लिए फाइनेंसिंग नहीं होती है, बेसिकली शेयर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो भी फंडिंग के लिए पर्पज रखा गया है कि उस पैसा का वो अपने फैमिली के लिए यूज कर ले, एजुकेशन के लिए यूज कर ले, हाउस के लिए यूज कर ले, लेकिन फर्दर कैपिटल मार्केट में पैसा लगाने के लिए यूज करने को मना किया क्योंकि वही कैपिटल मार्केट का पैसा लेके वही कैपिटल मार्केट में आप लगा रहे हैं। एडवांसेस टू अदर बोरोअर अगेंस्ट, तो शेयर इसके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चन ऑफ ग्रांटिंग एडवांस अगेंस्ट, ये सारी आइटम वही है बिल्कुल, शुड नॉट नॉर्मली अराइज, हाउएवर सच सिक्योरिटीज कैन बी एक्सेप्टेड एज कोलैटरल फॉर सिक्योर्ड लोन ग्रांटेड एज वर्किंग कैपिटल, और तो यहां बोलता है
ग्रांटिंग एडवांस अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स प्रोमोटर शेयर्स कॉर्पोरेट ऑफ अदर बोरोवर शुड नॉट नॉर्मली राइट. तो यहां पर मना कर रहा है, कह रहा है कि जो प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट में कोई भी आप लोन नहीं करेंगे. लेकिन यहां बोल रहा है कि अगर वो बंदा काहे के लिए पैसा ले रहा है आपसे, वर्किंग कैपिटल के लिए यानी एक बिजनेस पर्पज के लिए अगर पैसा ले रहा है तो आप करेंगे, या अदर प्रोडक्टिव पर्पज के लिए. एनबीएफसी को बिल्कुल मना किया हुआ. इन सच केसेस बैंक शुड एक्सेप्ट शेयर्स ओनली इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म. ये तो पहले भी पॉइंट आ गया था. इन द कोर्स ऑफ सेटिंग अप अ न्यू प्रोजेक्ट एक्सपेंशन एग्जिस्टिंग बिजनेस पर्पज रेजिंग एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाई अदर देन एनबीएफसी को बिल्कुल मना किया. There may be the situation where the such borrower may not be able to find required fund towards margin in anticipation of the mobilizing and long-term resources. In such cases, there would be no objection to the bank obtaining collateral security of shares and debenture by way of margin. तो ये कह रहा कि अगर कोई margin नहीं दे पा रहा है तो margin में ये मान लिया जाएगा कि उसने जो shares खरीदे हुए हैं, existing shares को ये मान लिया जाएगा कि इसने अपना margin वहां लगा लिया है, बाकी amount का आप उसको funding कर सकते हैं. ठीक है, अगला पॉइंट है यहां पर बैंक लोन फॉर फाइनेंसिंग प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन. अब प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन से मतलब क्या हुआ कि जो मेजर पार्ट होता है, प्रमोटर कौन होते हैं कंपनी के, कोई बताएगा आंसर करेगा? इनिशियली जो कंपनी एस्टैब्लिश करने की पैसा देता है, इनिशियली फंड देते हैं. इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं या उस कंपनी में जो ब्रेन चलता है, या तो वो इंटेलेक्ट के फॉर्म में आते हैं या मोटा पैसा लगाते हैं, ये जिनका बेसिक आइडिया होता है कंपनी का उसको प्रमोटर बोलते हैं. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इनिशिएट, जब कंपनी शुरू होती है शुरू वाले लोग ही आमतौर पर प्रमोटर होते हैं. ठीक है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर है वही है उसका प्रमोटर. हाँ, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में तो मान लिया 6 लोगों ने 10% भी होल्ड कर लिए और बाकी पब्लिक से पैसा लिया है तो 10% वाले भी प्रमोटर कहलाएंगे. ठीक है, और बाद में अगर कंपनी का किसी ने 30% इकट्ठे कर लिए तो वो भी प्रमोटर है, क्योंकि उसके हिसाब से ही चलता है ना फिर ज्यादा. कोई सिंगल आदमी जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है कंपनी का नहीं, वो प्रमोटर हुआ या फिर... सुनो, मैं आपको पॉइंट समझ गया. आपका कहना यह है कि एक के पास 10% है, दूसरे के पास 10% है, एक के पास 40% है, बाकी बहुत सारे लोगों के पास शेयर है. तो आपका कहना यह है कि इसमें प्रमोटर ये 40 वाला होगा, यही है ना? नहीं, ये लोग भी प्रमोटर कैटेगरी में आ सकते हैं. कंपनी का बेसिक फंक्शन जब स्टार्ट हुआ था ना, उस समय की बात कर रहे हैं, जिनके भरोसे कंपनी चल रही है. तो यहाँ पर अगर आप प्रमोटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा देंगे तो उसमें भी यही बात है कि सीलिंग 40% वाली बैंक नेटवर्क की जो है वो मेंटेन करनी है. ठीक है, आगे द टोटल एक्सपोजर इंक्लूडिंग बोथ फंड हो गया. ठीक है, बस तो अभी जो है इसमें 2-3 और रह गई हैं, उसको हम कल कवर करेंगे. तो थैंक यू सो मच.